हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तस्नीम और द कंप्लीट वुमेन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रही हूं, सोचिए क्या हो सकता है। तो अभी समर की सीजन चल रही है और हमें प्याज भी बहुत लगती है और हमें ठंडा खाने को जी करता है। तो आज मैं प्रोडक्ट का जो रिव्यू कर रही हूँ वो है गोला ले लो गोला। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इस गोला मेकर मशीन का, इसे आइस स्नो मेकर भी कहा जाता है। तो मैं आपको इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दूंगी और इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो अब मैं आपको इसे खोल के बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, पहले मैं आपको बता दूं। और इसकी MRP जो है वो 1199 की है और ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये उसकी एसेसरीज है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। और ये है हमारा गोला मेकर मशीन, इसे आइस स्नो मेकर भी कहते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है मैंने ऑलरेडी यूज किया है और मैंने देखा है कि इसमें बराबर से गोला बनता है कि नहीं, तो मैं सेटिस्फाई हुई हूँ इसको यूज कर। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट मैं आपको भी बताऊं और आपके साथ भी इस प्रोडक्ट का रिव्यू और डेमो शेयर करूं। और इसकी जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक की है, फूड ग्रेड प्लास्टिक है और अनब्रेकेबल है। यहाँ पर आप देख सकते है कि ब्लेड है, ये ब्लेड जो है इससे हमारे आइस जो है वो क्रश होगा, गोला बनने के लिए वो इस पर क्रश होगा। और ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये ब्लेड है और ये एंटी स्लिप रबर स्टैंड है जो कि जब हम गोला बनाएंगे तो ये इस तरह स्लिप नहीं होगा, ठीक है। ये इसके जो टॉप का अटैचमेंट है मशीन के, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग जो है आप देखेंगे इस तरह से हम करेंगे तो ये प्रेस होती है। तो स्प्रिंग क्या काम में आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हैंडल जो है वो रिवॉल्विंग हैंडल है, इससे आइस जो है वो क्रश होगा। तो अभी मैं आपको इसके अटैचमेंट के बारे में बता देती हूँ। और इसके साथ ये तीन बाउल भी आते हैं, ये भी उसके अटैचमेंट ही है, ये देखिए। तो हमें मिलता है एक ये गोला बनाने के लिए मोल्ड, उसके साथ साथ हमें मिलती है 5 स्टिक गोले बनाने के लिए। और ये जो है उसकी ट्रे है, हम ट्रे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे तो जब हम आइस को क्रश करेंगे तो बर्फ इसमें आएगा। और ये उसके तीन बाउल है, ये देखिए, ये बर्फ जमाने के लिए है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें जो है बर्फ जमा लिया है। तो यही बाउल जो है जो हमें मशीन के साथ आता है, यही बाउल्स हमें यूज करने हैं, क्योंकि ये बाउल की जो साइज है वो इस मशीन की साइज है। ये देखेंगे यहाँ पर ये आराम से बर्फ आ जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने तीनों को जमा लिया है बर्फ, ये देख सकते हैं आप। ये तीन बाउल के अंदर जो बर्फ है उसके अंदर हमारे 6 गोले बन सकते हैं, यानी कि एक बाउल में से 2 गोले आराम से बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसे यूज करके बताती हूँ। तो इस तरह से हमें इसमें डालना है, ये देखिए, ये इसके साइज का ही है ये बाउल, आराम से बर्फ इसमें चला गया, ये देखिए आप देख सकते हैं। ब्लेड का डायरेक्शन जो है ब्लेड यहाँ पर है, तो हमें ये ट्रे को इधर ही रखना है। तो अब हम इस अटैचमेंट को इसमें फिट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये लॉक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस लॉक के अंदर हमें इसे फिट करना है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग है, तो इसको पुश करेंगे अंदर, तो अभी इस तरह से हमें इसे प्रेस करना है। ये देखिए हमें थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा इसे बंद करने के लिए, और ये देखिए ये बंद हो गया। अभी हम आइस क्रश करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस हैंडल की हेल्प से हमें इसे घुमाना है, बहुत ही इजीली ये हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ये आइस जो है क्रश होके आ गई है, हमारे गोला बनाने के लिए आइस तैयार है। अभी हम मशीन को कर देते हैं साइड पर और अब हम बनाते हैं गोला। ये देखिए किस तरह से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसे फुल भर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से हमें भरना है। और फिर हमें ये स्टिक जो है इसे हमें सेंटर में इस तरह से फिक्स करना है, ये देखिए। और अभी बर्फ को हमें इस तरह से प्रेस करना है, अगर आप ये सही से नहीं करेंगे तो आपका गोला जो है परफेक्ट नहीं बनेगा। ये देखिए ये स्टिक जो है फिक्स हो गई है, अभी बाकी का बर्फ जो है हम ऊपर से डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमें टैप करना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा गोला बन गया है और ये हमारा दूसरा गोला भी रेडी हो गया है।
अब मैं इस पर थोड़ी सी चाशनी डाल देती हूँ। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो गोला बना सकते हैं। तो ये जो गोला है वो काला खट्टा है, ये देखिए। अब मैं इस पर ऑरेंज फ्लेवर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी इस तरह की बॉटल यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास सॉस की बॉटल थी तो मैंने वो यूज की है। और ये हमारा मनपसंद गोला तैयार। वाओ। तो फ्रेंड्स देखा ना कितना मजेदार गोला बना था। अगर आप भी ऐसा ही गोला बनाना चाहते हैं तो आपके घर ले आइए ये गोला मेकर मशीन, तो आप भी ऐसा ही गोला बना सकते हैं। जब आपका मन चाहे तब आप खा सकते हैं। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है और हम बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इस गोला मेकर मशीन को खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये मेरा प्रोडक्ट का रिव्यू और डेमो कैसा लगा तो उस पर आपकी प्रेशियस कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।